वेलकम दोस्तों, बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे जो कि है अमूल्या लियोना के बारे में। जी हाँ, ये वही लड़की है जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे असदुद्दीन ओवैसी की रैली में। जहां तक के सोर्सेस का सवाल है, अमूल्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की शुभचिंतक हैं और अपने फेसबुक अकाउंट से काफी तारीफ कर चुकी हैं नरेंद्र मोदी के काम की। उनके एक पोस्ट के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुसलमानों के लिए अच्छा सोचते हैं, भला सोचते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन करी है द प्रिंट मीडिया ने। अमूल्या के फादर से बात की गई तो पता चला अमूल्या के फादर पिछले 3 बार बीजेपी को वोट दे चुके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी को वोट नहीं किया था। लेकिन फिर भी अपनी बेटी के बारे में नहीं पता उनको कि वो क्यों बीजेपी का इतना समर्थन करती है। तो द प्रिंट मीडिया के मुताबिक अमूल्या कहीं ना कहीं बीजेपी और बीजेपी की सोच को सपोर्ट करती थी, और प्रिंट मीडिया के मुताबिक इसका कहीं ना कहीं सोर्स RSS और उनकी कहीं ना कहीं कोई साजिश से जोड़ा जा सकता है। आगे खबर में बात करेंगे यूपी के सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जी हाँ, कल सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट से कुल 3000 टन का सोना बरामद हुआ है। जी हाँ, सोर्सेस के मुताबिक इंडियन रिजर्व से यह 5 गुना ज्यादा है, और इस 3000 टन सोने की कीमत 12 लाख करोड़ बताई जा रही है। ये खबर सुनने में अजीब जरूर है, लेकिन कहीं न कहीं किताबों से जरूर मिलती है, जिन किताबों में आखिरी वक्त आने से पहले कोई एक सोने का पहाड़ निकला जैसी कहावतें कही जाती थी। आगे खबर में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप विजिट के बारे में। 24 से 25 फरवरी डोनाल्ड ट्रंप इंडियन विजिट पे होंगे, और एक बयान के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो नरेंद्र मोदी से NRC और CAA पे बात करेंगे और कश्मीर मुद्दे पे भी बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अमेरिका ने इंडिया से होने वाली डील को रोक दिया है। सोर्सेज के मुताबिक एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी अमेरिका और इंडिया के बीच में, लेकिन अमेरिका ने अभी उस पे स्टे लगा दिया। माना जाता है अमेरिका इन मुद्दों पे पहले बात करना चाहेगा नरेंद्र मोदी से, और ये जानना चाहेगा कि ये कानून जो लागू हुए हैं इससे उनके बिजनेस में क्या इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से इस चीज का जवाब देंगे, और इससे NRC और CAA कानून पे क्या फर्क पड़ेगा। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।